हर खबर देखने के लिए YouTube चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार पंचायत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज चौहान। आज एक बिहार की सबसे बड़ी घटना पर हम जिक्र करना चाहते हैं और आप लोग इसको जरा गौर से सुनिएगा। खासकर दरभंगा ही नहीं, बिहार के तमाम नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त हैं, उसके साथ आम जनता जिनका पैसे का किस तरह गबन होता। हमारे साथ वार्ड 17 के तत्कालीन पार्षद हैं प्रदीप गुप्ता जी, आपका स्वागत है। ये मुख्य सूत्रधार है उस घटना का जिसका जिक्र आज पूरे बिहार की मीडिया कर रही है और ये हमें लगता है कि बिहार में सरकार का एक ऐतिहासिक कदम होगा जो भ्रष्टाचार पर होगा, हमें लगता है। हालांकि अभी बता दें, बड़ी खबर आपको बता दें कि इस घटना के बाद जो पत्र निर्गत हुआ है जिसमें मेयर, डिप्टी मेयर के साथ स्थायी समिति के 7 सदस्यों को निरस्त कर दिया गया, यानी अब वो नहीं रहे, 7 वो मेयर और डिप्टी मेयर नहीं रहे और जो स्थायी समिति नहीं रहे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ये सभी लोग पटना के लिए निकल गए हैं। पटना जाकर के उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में वो लोग आवेदन देंगे क्योंकि उनकी बातें नहीं सुनेंगे, एक पक्षीय निर्णय दिया गया। इस विषय पर हम बात करेंगे। ये घटना है दरभंगा में 9 शौचालय नगर निगम के द्वारा बनाई गई जिसका पिछले वर्षों से उसका टेंडर हो रहा था, तो 16 में उसको टेंडर के लिए फिर से टेंडर निकाला गया उसके टेंडर के लिए, जिसमें एक एनजीओ है जो इसका टेंडर लिया, वो 66 लाख सम कुछ हज़ार रुपये का वो टेंडर उन्होंने लिया। और उस टेंडर में लेने के बाद जब मैंने काम शुरू किया, उसका वर्क ऑर्डर मिल गया, जब काम वम शुरू किए तो उन्होंने बताया कि 2 शौचालय जर्जर हालत में है, इसका राशि माफ़ कर दिया जाए। तो इसमें बोर्ड ने निर्णय लिया, बोर्ड का भी एक वो बैठक हुई जिसमें बोर्ड में बताया गया कि ऐसे, तो बोर्ड ने कहा कि शौचालय का निर्माण आप कर लीजिए, उन्हें बना देता है, लेकिन राशि आपकी कम नहीं होगी। राशि इसलिए कम नहीं होगी क्योंकि टेंडर में वो इंगित है कि सारे शौचालय जिस स्थिति में है उसी स्थिति में आपको लेना है, उसका मेंटेनेंस, उसका सारा चीज़ उनको करना है। इसमें ये नहीं, हाँ वो मैंने 66 लाख के अलावा उसकी सफाई से लेके जितनी भी काम करना है, टैंक सफाई, सारा काम उन लोगों को करना है। नगर निगम उसमें कोई राशि अलग से खर्च नहीं करेगा। अगर खराब शौचालय भी है तो रिपेयर भी उसी को करना है, वो सारा चीज़। तो ये लोगों ने वो अपना मैंने तो 2 शौचालय की छूट के लिए मैंने 9 शौचालय को बराबर राशि में बांट दिया गया और उसमें 27 लाख का छूट बनता है, तो छूट के लिए अप्लाई किया। तो उस छूट में जो राशि 27 लाख बनती है, जिसको वर्तमान बोर्ड है उसमें उसको 5 तारीख को बैठक करके 6 तारीख को ही प्रोसीडिंग निकाल के उन लोगों को छूट की राशि दे दी। यह राशि तब पता लगी हम लोगों को जब उसके लिए अलग से 11 या 12 लाख रुपए की छूट और के लिए वो डिमांड आवेदन आया उस संवेदक के द्वारा। कितनी राशि की थी ये जो पूरा शौचालय? ये 66 लाख समथिंग का राशि का था जिसमें 27 लाख की छूट इन्होंने गलत मांग की थी। तब हम लोग को ये जानकारी हुई और हम लोगों ने इसके विरुद्ध और आवाज़ उठाई। आवाज़ उठाने के बाद उन लोगों ने मैंने तब भी उसको छूट दे दिया। उसके बाद हम लोग पूर्व पार्षद की छूट मिल गई? नहीं, वो नहीं मिली, वो रुक गई। अच्छा, 27 लाख की? हाँ, 27 लाख की छूट मिली। उसके बाद हम लोगों ने आयुक्त दरभंगा प्रमंडल को, मयंक बरबड़े थे उस समय, उनको एक आवेदन दिया। हम लोग, हमारे साथ और भी 10-15 पार्षद थे, वो जाके आवेदन दिए। हम लोग कुछ पूर्व पार्षद थे और वर्तमान 12-13 पार्षद थे और आयुक्त महोदय से डिमांड मांग किया कि भाई इसकी निष्पक्ष जाँच कराकर कार्रवाई किया जाए। आयुक्त महोदय ने उस समय के जांच अधिकारी जो मनोज झा थे उनको दिया और उन्होंने इसकी जांच की। जांच में हम लोग के बताए हुए जो थे वो सत्य पाए गए। उसके बाद आयुक्त महोदय ने उस घोटाले को नगर विकास को अग्रसारित अपने कमेंट के साथ अग्रसारित कर दिया और नगर विकास ने फिर इन लोग से कारण पीछा करते हुए लगभग 19 में ये बात हुई थी और आज 21 में ये कार्रवाई हुई है। 2 साल तक ये मामला पेंडिंग में पड़ा हुआ था जो आज यह चल के कार्रवाई हुई। लगता है कि 1 साल से तलवार लटक रही थी, कई बार चर्चा हो रही थी, कई बार इसको लेकर के, तो अब जो निर्णय है उस निर्णय का क्या असर पड़ेगा नगर निगम? अब वो निर्णय है क्या? निर्णय का बहुत बड़ा असर पूरे बिहार में पड़ना है, क्या कि जो भ्रष्टाचार
में लोग शामिल कर्मचारी हों, मेयर हों या जो अन्य पदाधिकारी हों, वो अब डरेंगे कि यहाँ तो मेयर अस्थायी समिति सभी पर कार्रवाई हो गई इस घोटाले में, तो अब वो इस मामले में थोड़ा सा माने पारदर्शिता अपनाएंगे नगर निगम, जिसमें घोटाले कम होंगे जो पूरे बिहार का। जैसे अभी जो सूचना मिली है कि मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के जो 7 सदस्य हैं वो अब नहीं रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें निर्णय आया है कि महापौर और उप महापौर को पद से मुक्त कर दिया गया, और ये जो 7 स्थायी समिति के सदस्य थे इनको पद के अलावा पार्षद से ही मुक्त कर दिया गया। ये लोग अब पूर्व पार्षद कहलाएंगे, जो चिट्ठी है पत्र है नगर विकास का उसके अनुसार। इसमें पार्षदों को भी अब और जनप्रतिनिधियों को भी अब सोच समझकर निर्णय लेना होगा भविष्य में कि हम सही का काम करें, जिससे इस तरह की नौबत हमारे साथ भी न हो। ये बाहर बिहार के लिए बहुत बहुत बढ़िया डिसीजन हुआ है और हम लोग इसको सत्य और सच्चाई की जीत मानते हैं, इसे सत्यमेव जयते के रूप में मानते हैं। एक और सवाल है कि इसमें तो अधिकारी भी लिप्त होंगे, दरभंगा नगर निगम के तमाम जो नगर आयुक्त तत्कालीन नगर आयुक्त होंगे जो वहाँ पर, तो उन लोगों की भी संलिप्तता होगी जी उस समय के ये निर्णय में। उस समय के तत्कालिक नगर आयुक्त थे रविन्द्र नाथ, तो रविन्द्र नाथ भी उसमें सिग्नेचर किए थे, तो तत्कालिक मेयर और स्थायी समिति और वो भी इसमें दोषी पाए गए थे। वो शायद रिटायर कर गए हैं इसलिए उन पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन अब जो सम्मिलित और भी कोई कार्रवाई होती है तो उसमें वो भी हाँ स्टाफ होंगे जो वहाँ पर संभाल। नहीं नहीं, ये पूर्ण रूप से स्थायी समिति या बोर्ड का जो निर्णय है उसको देखने का काम नगर आयुक्त करते हैं, और नगर आयुक्त को लगता है कि ये काम अगर माने गलत हो रहा है तो वो अपना मंतव्य नगर विकास से मांगते हैं। इसलिए अन्य पदाधिकारियों की तो अगर देता है अगर पदाधिकारी भी तो उसको नगर आयुक्त को न करके जैसा मांगा गया, तो ये वहाँ से इनको जानकारी लेनी चाहिए थी कि इस पर क्या किया जाए। अच्छा, अब अंतिम में हम ये जानना चाहेंगे, हमें लगता है दरभंगा की तमाम जनता को आज दिन भर दिखाते रहेंगे दरभंगा नगर निगम के इस बड़े घोटाले पर जो बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसे बिहार के तमाम नगर निगम क्षेत्र के जो नगर आयुक्त हैं, मेयर, डिप्टी मेयर और जो स्थायी समिति है उनको थोड़ा सा जागरूक रहना पड़ेगा इस घोटाले के प्रति। कोई भी ठेकेदार इस तरह के आँख में धूल जाकर जनता के पैसा को वो इस तरह लुटाने का प्रयास करती है। अब अंतिम सवाल, आप लोग क्या कदम उठाएंगे? वो लोग अब हाईकोर्ट जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर के अपील कर रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि एक पक्षीय निर्णय हुआ है, हम लोग को ना बुलाया गया ना हम लोगों से पूछा गया, ये एक पक्षीय कार्रवाई किया गया है सरकार के द्वारा। इसमें एक पक्षीय कार्रवाई तो हम लोगों ने लगती है, इन लोगों को 2 साल पहले से दो मैंने स्पष्टीकरण पूछा गया था जिसका इन्होंने जवाब दिया। इसके एवज में इन लोग हाईकोर्ट भी गए और हाईकोर्ट का भी निर्णय इन लोग के विरुद्ध आया, और निर्णय विरुद्ध स्वाभाविक है कि इन लोग से पक्ष कैसे नहीं लिया, एक पक्षीय तो नहीं कहा सकता। नगर विकास ने तो अपना पत्र में सारा इंगित किया हुआ है कि इतने इतने तारीख को मैंने पत्र मांग कर इससे स्पष्टीकरण मांगा है। इन लोग का जो जवाब गया उससे नगर विकास विभाग संतुष्ट नहीं थे, जिस पर ये कार्रवाई की गई, धारा इतने के तहत तो कार्रवाई की गई। किनके द्वारा? हाईकोर्ट के? नहीं नहीं, नगर आयुक्त के अति नगर विकास के प्रधान सचिव के निर्देश पर यह कार्रवाई या आदेश निर्गत किया गया। तो आप लोग क्या करेंगे अगर उधर से उन लोगों को राहत मिल जाए, तो फिर आप लोग का अगला कदम क्या? नहीं, उन लोग का है कि कोर्ट जा सकते हैं, उन लोग को अपने के लिए तो जाना ही चाहिए कोर्ट, वो लोग कोर्ट जा रहे हैं तो अच्छी बात है जाएं। अब कोर्ट क्या निर्णय लेती है उस पर, हम लोग तो डिमांड करेंगे कि ये जो घोटाले हुई है और ये जो राशि अभी तक नगर निगम को नहीं आई है वो राशि इसमें आनी चाहिए, वापस आनी चाहिए, और 66 लाख का टोटल। इसके अलावा हम मांग करेंगे, अभी तो हम लोग मांग करेंगे कि पिछले बार जितने भी इस तरह के टेंडर हुए, बस स्टैंड के हो अन्य तरह के हो, ये सारे टेंडर में सर्टिफिकेट के नगर जिला प्रशासन के पास पिछले कई वर्षों से पड़ा हुआ है, जिसमें करोड़ों की राशि का वाह माने इन लोग से लेना है, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर भी डिमांड करेंगे कि वो राशि नगर निगम को इन संवेदकों के द्वारा वापस है। तो हम बता दें अब चुनाव होने हैं दरभंगा नगर निगम, एक अंतिम सवाल ये है कि अब इसका क्या असर पड़ेगा आने वाले अप्रैल में जो नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, उसका क्या असर पड़ सकता है इस पर? देखिए, उन पार्षदों के लिए तो बड़ा माने जनता के बीच जाके क्या बोलेंगे, ये तो भ्रष्टाचार का सारा आरोप है, तो इनको तो जवाब देना होगा जनता को, तो इन लोगों को तो दिक्कत होगी, जनता पूछेगी कि आपने इसका भ्रष्टाचार किया, क्यों किया, हमारे वार्ड को बदनाम क्यों किया, तो ये तो आएगा निर्णय। इसके अलावा भी और भी भविष्य में जो पार्षद आएंगे वो भी अब सोच समझ के काम करेंगे, ये सारा चीज़ होना है। तो हमें लगातार अब आज आपको दिखाते रहेंगे दरभंगा नगर निगम में जो ये व्यापक तौर पर 27 लाख रुपए की जो छूट के नाम पर जो घोटाले हुए हैं, जो भ्रष्टाचार हुए, उस पर जो सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि इस तरह जो आने वाले समय में
जो मेयर डिप्टी मेयर और जो पार्षद होंगे उनको थोड़ा सा सोच से समझ। लेकिन सबसे बड़ी बात प्रदीप गुप्ता जी ने कहा है कि 27 लाख रुपए जो जनता के वापस नगर निगम में आ जाए तो ये पहला चरण होगा। उसके अलावा और भी कई आरोप जो लगे हुए हैं भ्रष्टाचार की, उसकी भी जांच कराई जाए। तो देखते रहिए बिहार इंसानी पर, हर अपडेट खबर आज आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे बड़ी खबर आपको दिखा दें कि रोसड़ा में जो घटना घटी है, जो समस्तीपुर में 3 लोगों की जो मौत हुई है शराब पर, दरभंगा क्षेत्र के आईजी वहां पहुंचे, आईजी ने निरीक्षण किया है और बड़ी कार्रवाई समस्तीपुर से हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए बिहार इंसानी। धन्यवाद।